तो सबसे पहले गाइस हम समझते हैं कस्टम यूआरएल क्या होता है। तो कस्टम यूआरएल एक लिंक होता है, जैसे कि आप किसी को वीडियो को यहाँ पर सेंड करते हैं, कहते हैं कि आप मेरा जो कि वीडियो को वॉच कीजिए, तो क्या होता है कि आप लिंक के थ्रू किसी को व्हाट्सअप के थ्रू चाहे आप इंस्टाग्राम के थ्रू तो लिंक को आप सेंड करते हैं। तो कस्टम यूआरएल से क्या होता है कि आप डायरेक्टली में किसी को आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब पर गए और जो मेरा कस्टम यूआरएल है जो कि www.amitdevblogs0020 जो मेरा ब्लॉग का जो एक कस्टम यूआरएल है, तो कस्टम यूआरएल से आप डायरेक्टली वे में किसी को आप अपना लिंक को सेंड कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। जो कि आप अपना कस्टम यूआरएल जब आप क्रिएट करते हैं उसका जो कि एलिजिबिलिटी होता है, जो कि आपका 100 सब्सक्राइबर यदि आपका रहेगा तो आपका इस कस्टम यूआरएल को इनेबल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कि आपका बैनर होना चाहिए जो कि आपका यूट्यूब में लगा होना चाहिए, और उसके साथ साथ गाइस जो कि आपका लोगो होता है जो कि आपको रहना चाहिए, तभी आपका जो कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए और तभी आपका जो कि कस्टम यूआरएल जो कि आपका क्रिएट होगा। तो चलिए गाइस हम सारा प्रोसेस जो कि हम बताते हैं जो कि लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। यदि आप लोग के पास गाइस यदि मोबाइल होगा तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो कि क्रोम के वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जो कि यूट्यूब खोल लेना है, उसके बाद जो कि आपको वाईटी स्टूडियो वहां पर आपको खोल लेना है जो कि हम डायरेक्टली जो कि आपको बताते हैं जो कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको खोल। इससे पहले यदि वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको यहाँ यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको जो कि YouTube के ऊपर चले आना है, उसके बाद जो कि आपको कॉर्नर के साइड में जाना है और आपको यहाँ पर जो कि YouTube स्टूडियो के ऊपर जाना है। जब आपका इस YouTube स्टूडियो को खोलेगा तो आपको पास जो कि इस प्रकार जो कि आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको जाना जो कि यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे कि आपको जो कि स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर चैनल URL जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर www.youtube.com/channel जो कि यहाँ पर जो मेरा नाम दिया गया है जो कि बहुत ही आपको जो कि यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सेट ए कस्टम URL जो कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप यहाँ पर दिया गया है, जो आप यहाँ पर www.youtube.com/amitdevtitanium जो यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद जो कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर लिखा गया है एड लेटर और या फिर नंबर, जो कि आप लास्ट में अपने मन से कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि यहाँ पर लेटर कर रहा है या फिर अपना नंबर कर रहा है। मेरा इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर नेम है जो कि मेरा amitdev0020 है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जो सोच रहे हैं कि मेरा 0020 लास्ट में हो जाए तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। अमित दे टाइटेनियम 0020 जो मेरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टाइटेनियम वाला जो मेरा चैनल हो जाएगा। उसके बाद यदि आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा अमित दे ब्लाउज 0020 तो मेरा ब्लाउज का हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लिखते हैं जो कि यहाँ पर 0020 यदि यह सपोर्ट करता तो अच्छी बात है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा URL था जो कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पब्लिश करना है, तो पब्लिश आप कर दीजिएगा तो आपका जो URL होगा जो कि यहाँ पर आपका URL हो जाएगा। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अमित दे टाइटेनियम 0020 जो आपका URL होगा, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम कन्फर्म करते हैं, उसके बाद यहाँ पर पब्लिश हो गया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है, चेंज पब्लिश्ड हो गया है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए आपको हम लाइव प्रूफ के आपको साथ आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप बेसिकली यहाँ पर खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं कैसे हम इसको इनेबल कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप खोलने के बाद थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पर टाइम ले गया, तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा व्हाट्सएप खुल गया है। बेसिकली गाइस यहाँ पर जो मेरा कस्टम URL जो अभी हम चेंज किए हैं जो कि यहाँ पर हम डालते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो www.youtube.com/amitdev0020 तो आप लोग को बता दें, इसके ऊपर यदि हम क्लिक करते हैं जो मेरा डायरेक्टली यदि यूट्यूब खुल गया है, तो यहाँ पर आपको जो कि देख सकते हैं जो मेरा यूट्यूब खुल गया अमित दे टाइटेनियम। आई होप कि गाइस आप लोग कस्टम URL को इनेबल करना सीख गए होंगे। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको यहाँ यूट्यूब से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर वीडियो को देखने को मिलता है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।